कुत्ता बचाने के प्रयास में यमुना एक्सप्रेसवे पर दो गाड़ियों में भिड़त। शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरीर थाना क्षेत्र में माजिस्टोन 83 के समीप नोएडा से आगरा जा रही बलेनो कार के आगे कुत्ता आ गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही इनोवा कार में चढ़ टकराई। बलेनो के इनोवा कार में टकराते ही इनोवा बेकाबू हो गई और कलाबाजी खाते हुए पलट गई। इनोवा कार में सवार चालक सहित दो विदेशी दंपत्ति बाल बाल बच गए, तो वहीं बलेनो कार में 5 साल की बच्ची सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, तो वहीं विदेशियों को प्राइवेट गाड़ी से टोल प्लाजा भेजा गया। बलेनो गाड़ी थी जो नोएडा की तरफ से आगरा की तरफ जा रही थी, जो सुरीर क्षेत्र के माइलस्टोन 83 पर एक्सप्रेसवे पर एक कुत्ता जो आ गया था उसको बचाने के चक्कर में वो गाड़ी जो है पीछे से एक इनोवा गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी में आगे टकराई है, और उसके टकराने के बाद जस्ट वो गाड़ी जो डिवाइडर से जाके टकराई है, तो इनोवा गाड़ी एकदम उल्टी हो गई, वो पलट गई, जिसमें कुछ बाहरी अंग्रेज लोग सिंगापुर के लोग थे, और जो है बलेनो गाड़ी में कुछ महिलाएं थी और एक बच्ची थी, तो उनमें एक बच्ची और एक महिला की हालत चोट आई है उसकी गंभीर है, और इनोवा गाड़ी में सभी सेफ है, कोई उसमें ऐसी घटना वो नहीं हुआ। हादसे के बाद कितने देर बाद सुरक्षाकर्मी आ गए? सुरक्षाकर्मी तो अब जाके आके लगे हैं, तकरीबन इस घटना को आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे के बाद सुरक्षाकर्मी यहाँ आए हैं मौके पर। तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो इस एक्सप्रेस वे पर कोई भी सुरक्षा की सुविधा मुहैया नहीं कराता है अथॉरिटी, ना कोई गवर्नमेंट, क्योंकि टोल वसूलने के जोर दे रहे हैं, बाकी कोई सुविधा नहीं है। गाय है, पहाड़ियाँ हैं, कुत्ते हैं, इतने ऊंचे एक्सप्रेस वे पर और ऐसी जानवर अगर आ जाए तो इसके हम सुरक्षा की दृष्टि से क्या समझें। ग्रामीणों ने इनको बचाया? हाँ बिल्कुल, आसपास के जो खेतों में ग्रामीण काम कर रहे थे उन्होंने आकर तो उनको जो निकाला है गाड़ियों में से, और उसके बाद उनको जो है अस्पताल के लिए भेजा गया। ये जो कार है जा रही थी इधर आगरा की तरफ और यहाँ एक कुत्ता आ गया था, तो उसे बचाते हुए डिवाइडर से टकरा हुई है, और जो दूसरी गाड़ी है जैसे उसने ओवरटेक किया उसका टायर फट गया, जंप ले गई वो जी। उसमें एक बच्ची घायल हुई है, तो उसे अभी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। कितने कितने लोग सवार थे? तो उस गाड़ी में 4 लोग थे, उसमें बच्ची थी, उस बच्ची को अस्पताल भेजा गया, जिसमें फॉरेन थे जो सिंगापुर से आ रहे थे। दूर ये सब सुरक्षित हैं? हाँ जी, ये सुरक्षित है जो फॉरेन है। और जो दूसरी गाड़ी है उसमें एक बच्ची के अलावा भी दो अन्य लोगों को चोट आई? हाँ जी, उसमें 4 लेडीज थी, उसमें से एक बच्ची के लगी है और एक लेडीज है वो घायल है, बाकी सब सेफ है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी विदिशा बलेनो कार से परिवार सहित बांके बिहारी दर्शन के लिए जा रही थी। सुरीर थाना क्षेत्र में अचानक एक्सप्रेस वे पर कुत्ता आ गया, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही इनोवा से टकराते हुए डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 5 वर्षीय भव्या शर्मा और अंशु शर्मा घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे यमुना एक्सप्रेस वे के सुरक्षा कर्मी व थाना सुरीर पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया।